तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। आज हम बात करेंगे UPPCL AE होता क्या है, और UPPCL AE जो है वो कितनी महत्वपूर्ण पोस्ट है। ठीक है, तो UPPCL AE जो है वो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का असिस्टेंट इंजीनियर है। और एक और बात ध्यान में रख लेते हैं कि अवर अभियंता विद्युत यानी JE से AE बनने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो UPPCL AE जो है उसको असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से डिनोट किया जाता है, और UPPCL जो AE है वो एक रैंक है UPPCL की। ठीक है, UPPCL AE जो है ये रैंक है UPPCL की। अब रैंक क्या होती है, देखिए दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होती है रैंक और दूसरा होता है चार्ज। ठीक है, अब ये रैंक और चार्ज क्यों बने, UPPCL के दो हिस्से हैं, एक है ट्रांसमिशन, बहुत बढ़िया, ठीक है, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, UPPCL के दो हिस्से हैं, पहला ट्रांसमिशन दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों में ही UPPCL को AE कहा जाता है। ठीक है, रैंक वाइज AE कहा जाता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन AE को हम SDO बोलते हैं, बिकॉज इट हैज अ चार्ज, SDO चार्ज होता है उसका, क्योंकि ये पूरे सब डिवीजन का मालिक होता है। ठीक है, रुतबेदार, ठीक है, किंग भी लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अ किंग इन इट्स एरिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन में AE ही बोला जाता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, बिकॉज यहाँ पे AE एज अ, अगर बड़ा सबस्टेशन होगा तो वहाँ पे शायद शिफ्ट भी लगती है AE की, बट डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा जनरल शिफ्ट में ही रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन में AE को SDO कहा जाता है, दैट विल बी किंग और द चार्ज। ठीक है, तो AE रैंक है। ठीक है, अब UPPCL AE का जो पे स्केल होता है, वो होता है 56,100। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल पे स्केल नहीं होता। ठीक है, एंट्री लेवल पे इनको दो इंक्रीमेंट और मिलती है। ठीक है, जो कि 59,400 के बराबर होती है। ठीक है, 59,400। ठीक है, UPPCL AE एक ऐसा AE है ओनली जो पूरे यूपी में दो इंक्रीमेंट फालतू लेके एंट्री लेवल पे आता है। ठीक है, तो मान सकते हैं, ठीक है, कि ये एक वन ऑफ द बेस्ट और रिप्यूटेड पोस्ट है, लेकिन इसको बनने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि तो आजकल आपको पता है, चाहे AE हो चाहे JE हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो UPPCL का, उसमें रट्टा नहीं चल रहा। ठीक है, अच्छा एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या लड़का कोई अगर गेट क्वालिफाई नहीं कर सकता तो क्या वो UPPCL AE बन सकता है, ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है हर जगह, कोरा तक पे क्वेश्चन है कि क्या कोई लड़का, अगर कोई बीटेक का कोई एवरेज स्टूडेंट है, अगर वो गेट क्वालिफाई नहीं कर सकता तो क्या UPPCL AE बन सकता है। देखिए, गेट और UPPCL AE में समानताएं सिर्फ सिलेबस को लेके है, लेकिन क्वेश्चन के लेवल को लेके नहीं है। गेट क्वेश्चन पूछता है काफ़ी डीप न्यूमेरिकल टाइप। ठीक है, हो सकता है बच्चा इलेक्ट्रिकल में डीप न्यूमेरिकल को इतना पसंद ना करता हो, तो इसलिए गेट ना क्लियर कर पाए, लेकिन इसका ज़रा सा भी ये मतलब नहीं है कि वो AE नहीं बन सकता, क्योंकि AE के एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो AE का जो एग्ज़ाम का लेवल होता है वो गेट, हालांकि सिलेबस एज पर गेट सिलेबस लिखा होता है, लेकिन उससे नीचे रहता है भाई, किसी से भी पूछ लेना, AE के एग्ज़ाम्स का लेवल उससे नीचे रहता है। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का जो एग्ज़ाम का लेवल होता है वो गेट से हमेशा नीचे रहता है। ठीक है, हालांकि सिलेबस कवर करता है, सिग्नल एंड सिस्टम भी काफ़ी आता है, माइक्रो प्रोसेसर भी आने लग गया आजकल, तो कंट्रोलर भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्शंस को भी कवर करता है। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो लेकिन जितने टफ क्वेश्चंस गेट के अंदर आते हैं उससे कम आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये कतई भी नहीं, अगर कोई आपको डीमोटिवेट करता है कि भैया UPPCL तो सिर्फ गेट के ही टॉपर्स क्लियर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, UPPCL एक एवरेज स्टूडेंट भी क्लियर कर सकता है अगर वो मेहनत करे तो। ठीक है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज ये काफ़ी एक ड्रीम जॉब होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया तो किंग ही है। ठीक है, ट्रांसमिशन में रुतबा थोड़ा कम है, बट रिलैक्स जॉब है। ठीक है,
तो ट्रांसको में भी बन सकते हैं ई, ठीक है। और दूसरा दो इंक्रीमेंट फालतू लेके आता है ये, ठीक है, एंट्री लेवल पे, ठीक है, और बहुत ही बेस्ट माना जाता है एंट्री लेवल पे। तो जेई से यही कितना टाइम लगता है, जेई से यही जो टाइम लगता है जनरली वो 9 से 10 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो और जो डायरेक्ट एई होता है उसको बनने में बहुत फ़ायदा है, डायरेक्ट अगर आप एई लगते हैं तो सीधा बाद में एक्सीएन बन सकते हैं आप, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो यूपीपी से ले ही बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये भी डाउट क्लियर हो गया कि जो गेट नहीं क्लियर कर सकता वो भी यूपीपी से ले ही निकाल सकता है, ठीक है। तो गेट से थोड़ा लो रहता है इसका पेपर, लेकिन सिलेबस आपको गो थ्रू गेट का करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यहाँ पे आता है, आप पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट में पढ़ते हैं, वहाँ पे इसकी हेल्प यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। सो इट्स अ वेरी गुड पोस्ट एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस, ठीक है, अलॉन्ग विद द गेट प्रिपरेशन, ठीक है। एंड इट्स वन ऑफ द ब्रिलियंट इट हैज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एंड स्पेक्टेकुलर पे स्केल। दिस इज अ स्पेशल पे स्केल इन स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में हालांकि जो पे स्केल होता है वो इतना ज़बरदस्त नहीं होता जितना ये दे रहा है, ठीक है, ये काफ़ी दे रहा है, ठीक है। एंड रिकॉग्निशन तो बहुत अच्छी होती है एक्चुअली। ना मैं आपको बताता हूँ, अगर आप PSU का ट्राई कर रहे हैं ना, स्टेट का ट्राई कर रहे हैं, PSU में भले ही आप कितने भी बड़े इंजीनियर बन जाएं, ठीक है, लेकिन PSU कभी भी आपको एक ऑफिसर का फील कभी नहीं देता, ठीक है, देख लेना। PSU में भले ही वो आपको 2.5-3 लाख रुपए दे दे, ठीक है, जाते ना ONGC वगैरह में, ठीक है, लेकिन जो रुतबा यहाँ पे मिलता है ये वाला करके स्टेट वाला, चाहे वो AEUPPCL का हो, जल निगम का हो, किसी का भी हो, PWD का भी हो, स्टेट में हमेशा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ट्राई मारना चाहिए। इवन PSU में भी सिलेक्ट होके भी ट्राई मारना चाहिए आपको, ठीक है। बहुत, मैं यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा PSU को, PSU बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ पर्क्स एंड पे, PSUs आर वेरी गुड, बट इन टर्म्स ऑफ रुतबा एक होता ना भोकाल, वो PSUs में नहीं होता भाई। कितनी भी देख लेना, किसी टॉप गेट रैंकर से भी पूछ लेना, PSU में जाकर डिससेटिस्फैक्ट्री ही फील करेगा। पैसा मिल जाता है, लेकिन ये जो होता है ना सोशल रेजिग्नेशन, ये अजीब सा नाम SDO का, दैट्स वाई UPP इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बेरोजगारी का कारण भी है SDO की पोस्ट ही रहती है, ठीक है, क्योंकि उनकी चाहत इतनी होती है कि वो यहाँ आना ही आना चाहते होते हैं, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, अगर कोई BTech स्टूडेंट लाइक करता है तो, ठीक है, मोटिवेशन है, फिर भी आप कर सकते हैं। अच्छा, क्या प्राइवेट जॉब के साथ UPPCL AE की तैयारी करी जा सकती है? बिल्कुल करी जा सकती है, अगर थोड़ा थोड़ा आप टाइम निकाल लें। क्या होता है प्राइवेट में आजकल, क्या होता है, मान लो कोई लड़का जो है एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टाटा पावर या मोटर्स में काम कर रहा है, तो वहाँ पे संडे की छुट्टी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे आप एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थोड़ा थोड़ा स्टडी करते रहेंगे तो आप कर सकते हैं इसको भी, ठीक है, बट आपको थोड़ा सा पुश ज़्यादा करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो आप स्टडी करिए, तैयारी करिए अच्छे से, ठीक है, और इसको पाने की कोशिश करिए, ठीक है, या तो पहले ही पा लीजिए, पहले नहीं आती तो बाद में भी तरीका पा सकते हैं, ठीक है, और किसी के साथ भी, जॉब के साथ भी, ठीक है। धन्यवाद।